हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज पढ़ेंगे डेसीडुआ। अरे, ये डेसीडुआ क्या होता है? तो वो पीछे यहाँ पढ़ चुके हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब था ब्लास्टोसिस्ट, दैट मीन एम्ब्रियो का अटैचमेंट कराना, किससे? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से। तो वहीं से ये वर्ड आया है डेसीडुआ। देखिए, यूट्रस की कैविटी है, यहां बना था ब्लास्टोसिस्ट जो एंडोमेट्रियम के अंदर धस गया था। जो ब्लास्टोसिस्ट बना उसे हम एम्ब्रियो कह रहे थे, और ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें धस गया। एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब क्या कहेंगे? अब ये एंडोमेट्रियम मॉडिफाई हो जाएगी। इस मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं डेसीडुआ। क्या है डेसीडुआ? देखिए, हमारा टॉपिक है डेसीडुआ। देखिए डेसीडुआ क्या होता है, तो आप लिखोगे ये है मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम। क्या है ये? मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। भाई अब तो ये यूट्रस प्रेग्नेंट है ना, ठीक है ना? मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस कॉल्ड डेसीडुआ। अब इस डेसीडुआ के भी थ्री पार्ट्स हैं। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहला है डेसीडुआ बेसेलिस, थ्री है डेसीडुआ बेसेलिस, डेसीडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसीडुआ पेराइटेलिस। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर एक लेयर बनानी पड़ेगी जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम को सेपरेट कर रही हो। यहाँ पर हमें तीनों लेयर दिखें, ऐसी ही क्लियर बनानी पड़ेगी। देखिए क्या कंडीशन है, ये क्या है? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर पेरीमेट्रियम बताई थी, मिडिल लेयर बताई थी मायोमेट्रियम, और इसकी खास बात भी बताई थी जो मायोमेट्रियम होता है, उस मायोमेट्रियम की बात कर रहा हूँ मैं। मायोमेट्रियम मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी वाली? स्मूथ मसल। इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से लेवर पेन होगा, और लेवर पेन के बाद इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन से चाइल्ड बर्थ हो पाएगी, ठीक है? अब आई एंडोमेट्रियम। तो देखिए, ये भी एंडोमेट्रियम का पार्ट है, ये भी एंडोमेट्रियम का पार्ट है, और ये वाला भी एंडोमेट्रियम का पार्ट है। देखिए एंडोमेट्रियम ये भी है, एंडोमेट्रियम ये भी है, और एंडोमेट्रियम ये भी है। ये पूरी एंडोमेट्रियम जिसके अंदर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम ये वाली भी है, ये वाली भी एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम नहीं है, अब ये एक मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है। इस मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को डेसीडुआ बोल रहे हैं। ये बेस पर प्रेजेंट है, इसलिए डेसीडुआ बेसेलिस, डेसीडुआ बेसेलिस। ये वाली डेसीडुआ कैप्सुलरिस, डेसीडुआ कैप्सुलरिस, और ये है डेसीडुआ पेराइटेलिस, डेसीडुआ पेराइटेलिस। ठीक, तो देखिए क्या क्या हो गया। डेसीडुआ बेसेलिस कहाँ प्रेजेंट है? मायोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट है, दिख रहा है? ये रेड वाली मायोमेट्रियम, ये एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम जो कि मायोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में है, ये कौन सी एंडोमेट्रियम है? जो एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी के बीच में है, ये कौन सी एंडोमेट्रियम है? पेराइटेलिस पूरे के पूरे एंडोमेट्रियम को लाइन कर रही है, सिर्फ उस प्लेस को छोड़ के जहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है? यह साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिस साइड पर एम्ब्रियो अटैच है उस साइड को छोड़कर पूरे के पूरे यूट्रस को लाइंड कर रही है अंदर से। कौन? पेराइटेलिस, पेराइटेलिस।
ठीक है, तो मैं अब तीनों लिख देता हूँ। ये कहाँ प्रेजेंट है तो आप बताओगे प्रेजेंट बिटवीन, क्या बताओगे, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो। कौन सी वाली, बेसेलिस वाली? और कैप्सुलरिस कहाँ है, कैप्सूल टाइप का बना है, पाउच टाइप, तो आप बताओगे ये प्रेजेंट है बिटवीन, बताओ, एम्ब्रियो एंड यूट्राइन कैविटी। नाम क्या है इसका, डेसीडुआ कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस कहाँ प्रेजेंट है तो आप बताओगे बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो दिख रहा है वही लिखो, क्या दिक्कत है ना, एम्ब्रियो मायोमेट्रियम के बीच में। नेक्स्ट डेसीडुआ पेराइटलिस, डेसीडुआ पेराइटलिस, ठीक है। अब ये जो डेसीडुआ पेराइटलिस है इसकी बात कर लेते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, लाइंड द होल यूट्रस, होल यूट्रस अदर देन द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ है उस साइट को छोड़कर पूरे के पूरे यूट्रस को ये लाइन कर रही है, कौन, पेराइटलिस। ये कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी के बीच में। ये कहाँ प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में। तो ये हमने देखा डेसीडुआ, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो हम मोरुला देख चुके हैं, ब्लास्टुला देख चुके हैं, अब हम गैस्ट्रुला देखेंगे। तो गैस्ट्रुला स्टेज के फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, तो हम गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये जितना भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको अब दिख रहा है, ये सारा का सारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्राइन कैविटी में ही होगा। देखो शुरुआत कहाँ पे हुई थी तो आप बताओगे सर, शुरुआत फैलोपियन ट्यूब में हुई थी, शुरुआत हुई थी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब कहाँ पर होगा, यूट्राइन कैविटी के अंदर। तो देखिए शुरुआत हमने कहाँ कर ली थी, फैलोपियन ट्यूब में, अब कहाँ हो रहा है, सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो ब्लास्टुला की थोड़ी सी ग्रोथ बताऊंगा, फिर गैस्ट्रुलेशन बताऊंगा। चलिए ब्लास्टुला के बाद अब जितना भी डेवलपमेंट है इस पूरे को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, गैस्ट्रुला स्टेज, मोरुला स्टेज हो गई थी, ब्लास्टुला हो गई थी, अब हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रुला स्टेज। तो ब्लास्टुला के बाद जितनी भी स्टेजेस सब गैस्ट्रुला हैं और इसके फॉर्मेशन को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। देखिए कैसे होगा वो समझिए, हमारे पास इस तरह का एक एम्ब्रियो था, चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट थी, क्या नाम था इन सेल्स का तो आप बताओगे सर, इन सेल का नाम था ट्रोफोब्लास्ट। तो लीजिए मैंने फिर से बना दी, लेयर का नाम बताओ बच्चों तो आप बताओगे सर इनका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, जो पीछे बताया था वो यहाँ है, ठीक। और एक पोल की तरफ क्या प्रेजेंट थी, इनर सेल मास, क्या प्रेजेंट था, इनर सेल मास। देखो चारों तरफ क्या था, ट्रोफोब्लास्ट, और ऊपर की तरफ क्या था, इनर सेल मास। तो अब वो इनर सेल मास डिवाइड होकर टू टाइप्स की सेल्स बना रहे हैं, जो इनर सेल मास है वो डिवाइड होकर ऊपर की तरफ टू टाइप की सेल्स बना रही हैं। एक तो ये जो आपको सेल दिख रही है, इलॉन्गेटेड सी सेल्स हैं, इन सेल को बोलते हैं एपिब्लास्ट, क्या बोलते हैं इनको, एपिब्लास्ट। और नीचे की तरफ भी कुछ सेल्स बना रहा हूँ मैं, इनको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ये देखिए, ठीक है, दिखाई दे गया होगा आई थिंक। ये बाहर की तरफ कौन सी है, इस बाहर वाली का नाम है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गई हमारी।
और ऊपर की तरफ रॉबर्ट सेल्स बताई थी, इनर सेल मास बताई थी, ठीक है। तो ये हो गई वही पुरानी वाली ट्रोफोब्लास्ट, ये कौन सी हो गई एपीब्लास्ट, ये कौन सी हो गई हाइपोब्लास्ट, उसके बाद ये कैविटी वही पुरानी वाली कैविटी, कुछ नया नाम नहीं है, इसका नाम है ब्लास्टोसीन। कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसीन। अब देखिए क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे आगे की तरफ। देखिए ये वही है, एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा साइज में। ये वही चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, इस तरह से मैं ट्रोफोब्लास्ट बना रहा हूँ। ये ट्रोफोब्लास्ट बन गई। अब क्या होगा, अब थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, ये जो ऊपर की एपीब्लास्ट हैं ये छोटी हो जाएंगी, जो ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट हैं ये छोटे साइज की हो जाएंगी, ठीक है। नीचे हाइपोब्लास्ट जैसा था वो वैसा ही रहेगा, एपीब्लास्ट में चेंज आया है, हाइपोब्लास्ट में कोई चेंज नहीं आया, आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आना, ये चारों तरफ क्या है ट्रोफोब्लास्ट है, इस तरह से ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ऊपर मैंने क्या बनाया है ये एपीब्लास्ट, ऐसी हो गई। अब देखिए क्या होगा, ऊपर की तरफ कुछ नए न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ सेल्स फॉर्म हो रही हैं, इनको बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल। क्या बोलते हैं इन सेल को? एमनियोजेनिक सेल्स, ठीक। तो ये बन गई एमनियोजेनिक सेल्स, ये कैविटी बन गई एमनियोटिक कैविटी, ये बन गया एपीब्लास्ट, और ये बन गया हाइपोब्लास्ट, और इस कैविटी में फ्लूड है, उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूड, फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूड। अभी दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये पूरा परेशान मत होइए। ये कैविटी अभी भी क्या है? ब्लास्टोसील, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या हुआ, पहले ट्रोफोब्लास्ट हुआ करती थी, इनर सेल मास हुआ करता था, अब चेंज आया है, इनर सेल मास ने डिफरेंट टाइप की टू सेल्स बनाई हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट, नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट। अब क्या हुआ, एपीब्लास्ट छोटी हो गई तो ऊपर कैविटी बन गई, उस कैविटी के ऊपर एक लेयर बन गई, नाम है एमनियोजेनिक सेल। क्वेश्चन, एमनियोजेनिक सेल किसने फॉर्म करी? तो आप बताओगे ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना ऊपर वाली, इस ट्रोफोब्लास्ट ने एमनियोजेनिक सेल बनाई है। अब देखो हाइपोब्लास्ट वैसी रही, एपीब्लास्ट छोटी हो गई, फिर ट्रोफोब्लास्ट ने क्या करा, कुछ नई सेल्स बना दी, नाम है एमनियोजेनिक सेल। अब एमनियोजेनिक सेल और एपीब्लास्ट के बीच में कैविटी बन गई, एमनियोटिक कैविटी दैट फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूड। उसके बाद नीचे की तरफ जो कैविटी ब्लास्टोसीन, वो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आया। अब क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप देखिए, वही है, इस तरह से ये क्या बना रहे हैं बेटा हम, बताओ। तो आप बताओगे सर ये है ट्रोफोब्लास्ट, क्या बताओगे? इस लेयर का नाम है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। ट्रोफोब्लास्ट जैसी थी वैसी ही है। अब देखो ये मैं चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट बना रहा हूँ,
ठीक है, क्या चेंज आया था कि जो एपिब्लास्ट थी वो छोटी हो गई थी, इस तरह से एपिब्लास्ट छोटी हो गई थी। हाइपोब्लास्ट एज इट इज थी, यहां पर और ऊपर की तरफ कुछ सेल्स बन गई थी, और उन सेल का नाम क्या रखा था? एमनियोजेनिक सेल। किसने बनाया था इन एमनियोजेनिक सेल को? तो आप बताओगे सर, इन एमनियोजेनिक सेल को फॉर्म किया था ट्रोफोब्लास्ट ने। तो जैसी सेल ऊपर बनी है एमनियोजेनिक सेल, सेम टू सेम उसी टाइप की सेल नीचे भी फॉर्म होंगी। ये लो, तो ये मैंने एक और सेल की बनी हुई एक लेयर बना दी, लेकिन डिफरेंस है, ऊपर की तरफ जो सेल बनी है उनको बनाया है ट्रोफोब्लास्ट ने, नीचे की तरफ जो सेल बनी है उनको बनाया है हाइपोब्लास्ट ने। ठीक है, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट ने बनाया है इसने, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट ने नहीं बनाया है। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ, देखिए ये क्या है, वही ट्रोफोब्लास्ट, वही जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं वही बार बार बना देते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट है, उसके नीचे क्या है? एमनियोजेनिक सेल्स। क्या नाम हो गया? एमनियोजेनिक सेल। फिर ये कैविटी बनी थी, बताओ, तो आप बताओगे एमनियोटिक कैविटी। फिर ये कौन सी थी? एपीब्लास्ट। ये कौन थी? हाइपोब्लास्ट। और ये जो नई सेल बनी है इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। क्या बोलेंगे? एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। ठीक, अब इस एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक को किसने बनाया? हाइपोब्लास्ट ने। इन दोनों के बीच में कैविटी है, प्राइमरी यॉर्क सैक। क्या नाम हो जाएगा? प्राइमरी यॉर्क सैक। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं हुआ है, पहले ही एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थी, एपिब्लास्ट छोटी हो गई, हाइपोब्लास्ट वैसी है, ट्रोफोब्लास्ट ने ऊपर कुछ सेल्स बना दिए बस, एमनियोजेनिक सेल, कैविटी बन गई एमनियोटिक फ्लूड, कैविटी इसमें फ्लूड भर गया एमनियोटिक फ्लूड। अब क्या हुआ है? जो ये था एज इट इज है, बस नीचे की तरफ एक लेयर और बन गई है। क्या नाम है? एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक। अब यहाँ पर एक कैविटी बन गई, प्राइमरी यॉर्क सैक। अब क्या हुआ? ये अंदर का सब कुछ छोटा हो जाएगा, अंदर ये जितना दिख रहा है ये हिस्सा छोटा हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ये छोटा, देखो नेक्स्ट डायग्राम में देखो, दिखेगा आपको। साइज पर मत जाना, साइज तो देखो हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, थोड़ा नहीं काफ़ी अंतर आ रहा है साइज में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस्ट्रुलेशन पढ़ रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का नाम है, और जो स्टेजेस बन रही हैं इनको गैस्ट्रुलर स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन आता है गैस्ट्रुलेशन में कौन से क्या क्या होता है, तो आप बताओगे यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं और उन सेल का मूवमेंट होता है, न्यू सेल्स बनती हैं और उन सेल का मूवमेंट होता है। उससे क्या होगा? न्यू सेल बनेंगी और न्यू सेल का उन सेल का मूवमेंट होगा, उससे बनेंगी जर्माइनल लेयर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स बनेंगी, सेल डिफरेंशिएशन, और फिर उनका मूवमेंट होगा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। उससे क्या? थ्री जर्माइनल लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और उन्हीं लेयर से एक नया बेबी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। देखो पहले तो मैं ट्रोफोब्लास्ट को इस तरह से दिखा दूंगा आपको, एक ही तरह से दिखा रहा हूँ जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। अब क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा अंदर का हिसाब किताब। देखिए ये एपिब्लास्ट है, इस तरह से छोटा हो गया एपिब्लास्ट। ये हाइपोब्लास्ट है, ये भी छोटा हो गया, और इस तरह से मैंने एक लाइन दिखा दी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एमनियोजेनिक सेल को।
फिर एक लाइन दिखा दी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक को, ठीक। और ये अब वही कैविटी आ गई, क्या नाम है इस कैविटी का, वही ब्लास्टोसीट, बस छोटा हो गया अंदर का हिसाब किताब, छोटा हो गया, फिर कैविटी दिखने लगी। मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एमनियोजेनिक सेल्स। ये क्या है तो आप बताओगे, ये एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट। ये क्या है, हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब इन दोनों के बीच जो कैविटी है इसका नाम क्या है, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, ठीक। ये क्या है, वही एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक, सब कुछ वही है, बस एक चीज का अंतर आएगा, इसको पहले जब बड़ी थी तो प्राइमरी यॉर्क सैक कहते थे, अब इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी यॉर्क सैक, सेकेंडरी यॉर्क सैक, यही अंतर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, ये कुछ डिफरेंट और न्यू सेल्स बनाएंगी, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं ये कुछ डिफरेंट और न्यू सेल्स बनाएंगी, और वो इस कैविटी के बीच में प्रेस स्कैटर्ड हो जाएंगी, स्कैटर्ड फॉर्म में वो सेल्स दिखाई देंगी इस कैविटी में, और उनका नाम होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इस तरह से ये जो न्यू सेल्स बना रहा हूँ, इन न्यू सेल को किसने फॉर्म किया, तो आप बताओगे ट्रोफोब्लास्ट ने। इन न्यू सेल्स का नाम क्या है, तो आप बताओगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स, सॉरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बच्चों याद रहे, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, मीजोडर्म नहीं है। यही मीजोडर्म आगे जाके टू पार्ट्स में मतलब टू टाइप्स की लेयर में अरेंज हो जाएगी, एक का नाम होगा सोमेटोप्लूरिक जो बाहर की तरफ होगी, एक का नाम होगा स्प्लैंक्नोप्लूरिक जो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे दिखाऊं। अब ये डायग्राम रब कर देते हैं, देखिए क्या होगा, ये बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट, यहां पे हम ये ट्रोफोब्लास्ट बना रहे हैं। मैं बड़ा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको एक चीज क्लियर हो पाए, ये हमारी तैयार हो गई आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, और यही ट्रोफोब्लास्ट है जो इतने सारे काम कर रही थी। बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट हमारी मतलब फीटस के बाहर की लेयर बनाने में इन्वॉल्व है। अब वो बना के दिखाते हैं तब समझ में आएगा। देखो ये कौन सी है, वही एपीब्लास्ट की सेल्स, नीचे कौन सी है, वही हाइपोब्लास्ट की सेल्स, ऊपर की तरफ कौन सी है, एमनियोजेनिक सेल, नीचे की तरफ क्या है, एंडोडर्मल सेल ऑफ यॉर्क सैक, ये छोटा बनेगा ये बड़ा बनेगा, ये एमनियोटिक कैविटी, ये सेकेंडरी यॉर्क सैक, वही वाला सब कुछ वही है। बस क्या है, ये जो सेल्स स्कैटर्ड हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये बस अरेंज हो जाती हैं,
ये बस अरेंज हो जाती हैं, कुछ बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगी और कुछ अंदर की तरफ अरेंज हो जाएंगी। जो अंदर की तरफ अरेंज होंगी उनको बोलेंगे स्प्लेंकनोप्लूरिक, जो बाहर की तरफ अरेंज होंगी उनको बोलेंगे सोमैटोप्लूरिक। ठीक, समझ में आया? जो हमने ये बाहर की तरफ अरेंज करी हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक, इस तरह से। ठीक, और जो अंदर की तरफ अरेंज हो रही हैं इसका नाम होता है स्प्लेंकनोप्लूरिक। ठीक है, अब हम इनका नाम लिख देते हैं। देखिए, ये है ट्रोफोब्लास्ट और ये कौन सी है? सोमैटोप्लूरिक। सोमैटो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक, सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होके बनाएंगे क्या? एक लेयर, उसका नाम है कोरियोन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एम्ब्रियो की जो आगे मैं आपको फीटस पढ़ाऊंगा, उस फीटस के चारों तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? तो आप बताओगे उसका नाम है कोरियोन। उसके बाद ये कौन सी है? एमनियोजेनिक, क्या नाम है? एमनियोजेनिक लेयर। ठीक है, इसके आगे भी दिखाता हूँ।